सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए जॉयस बाइक पॉइंट एंड भाई न्यू ईयर पे क्या ही न्यू मशीन्स पीछे अवेलेबल है। आप सब कुछ देख रहे हो भाई, और वीडियो को एंड तक देखना भाई। कंप्लीट ए टू जेड कंप्लीट सारे डिटेल्स आप लोगों को दे देंगे, एंड अभी आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह एंजॉय करो। उससे पहले मैं बोलूँगा भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो पीछे लाइनअप है ही इनका, तो चलो इनके एक बार सिनेमैटिक शॉट्स आप लोग देख लो, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. One day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. सो होपफुली आपको इस लाइनअप का मतलब कि सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह पसंद आया होगा। एंड लिटरली भाई, जब भी जॉयस बाइक पॉइंट विजिट करता हूँ ना यार, कुछ ना कुछ एक्जॉटिक दिख जाता है। एंड ये लाइनअप जो दिख रहा है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइनअप। और स्टार्टिंग करेंगे भाई क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। एंड आज का टॉपिक में देखो, BM एंड कावासाकी की बाइक्स है, क्योंकि BM का तीन बाइक आप यहाँ देख रहे हो एंड कावासाकी का चार बाइक है। तो चार बाइक में कावासाकी का दो 10R, एक 1000 एंड एक 650 है। बाकी BM में तो सारी S1000RR है। दिस वन इज़ द HP मॉडल, HP4। यस, तो ये HP4 है। उसके बगल में S1000RR प्रो, जो आप ये वाली देख सकते हो, और बाकी ये वाली S1000RR का कलर भाई, डैम मज़ा आ गया भाई। इतना प्यारा कलर है ना ये वाला, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला कलर। एंड उसके बाद हमारे पास न्यू शेप की 10R है, और उसके बाद ओल्ड शेप। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को कौन से शेप वाली 10R पसंद है। देखो भाई, ये वाली मेरे को ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी दोनों नहीं मिल पाएगा। बाकी इधर देखोगे आप तो निंजा 1000 आपको एक अवेलेबल है, एंड उसके बाद बेबी निंजा स्टार्टिंग सुपर बाइक 650। स्टार्टिंग तो 300cc एंड 400cc भी अब आ गया है भाई, लेकिन ये 650cc है विथ डुअल सिलेंडर, और बाकी सारे इनलाइन 4 मशीन्स हैं। शुरुआत करते हैं HP4 से। तो जैसा आपको पता है भाई, बहुत ही रेयर मशीन है ये वाली BMW की, और मैंने पहले भी आपको बताया है इसके बारे में। तो समझ जाओ ये ओनली 4 पीस इंडिया में। और अगर इसके एसेसरीज की बात करें तो RNG के विंडशील्ड, RNG के फ्रेम स्लाइडर्स, RNG के टेल टैडी, RNG के बार एंड, HP4 एडिशन सीट काउल जो आपको रेयर में दिखेगा भाई कंप्लीट, एंड उसके बाद आफ्टर मार्केट ब्रेक एंड क्लच लीवर। तो दिस वन इज़ द आफ्टर मार्केट ब्रेक्स एंड क्लच लीवर। बाकी फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह नीचे में आप देख ही रहे हो। तो ये सब इसमें लोडिंग से भाई कंप्लीट। और बाकी इसका जो ऑन रोड प्राइस है, मतलब कि जो प्राइस आस्किंग प्राइस है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो तो आपको जॉयदा ही बताएंगे। तो उनका नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप वहाँ पे आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड वो आपको फिर इसके बारे में कंप्लीट बता देंगे क्या प्राइसिंग वगैरह है। 2014 मैनुफैक्चर एंड 2014 रजिस्टर्ड मशीन है, WB रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर, और 14,000 किलोमीटर बस किया है इसने। तो आप समझ सकते हो भाई कैसी मशीन आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैलिड है फरवरी 2023 तक। एंड नेक्स्ट हम लोग आएंगे S1000RR पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मशीन। और बाकी ये दोनों में से देख लो भाई आप लोगों को कौन सा शेप पसंद है। आपका लेफ्ट साइड में पुराना वाला है एंड राइट साइड में न्यू वाला है। तो इस वाली की बात करें, दिस इज़ द S1000RR प्रो एडिशन, मई 2017 का मैन्युफैक्चर एंड दिसंबर 2017 का रजिस्टर्ड है। ओडिया मतलब ओडी इसका नंबर प्लेट है, मतलब ओडिशा रजिस्टर्ड बाइक है। सेकेंड ओनर 7100 किलोमीटर्स कन्वर्ट किया हुआ है, और बाकी दोनों कीज इसके मतलब दो की जैसा मिलता है आपको, वो दोनों अवेलेबल है इसमें। आपको समझो इरमैक्स के विंडशील्ड लगे हुए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कस्टम विंडशील्ड जो आता है इरमैक्स कंपनी का। फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह भी इस पर लगे हुए आप यहाँ पे देखो भाई। और उसके बाद पैडॉक स्पूल्स जो आपको पीछे में मिलता है जब पैडॉक स्टैंड लगता है, वो वाला स्पूल्स वगैरह भी इस पर लगा हुआ है। फिर डायमंड एडजस्टेबल राइडर फुटपैक्स वगैरह भी इसमें आपको प्रोवाइड किए गए, जैसा आप देखोगे डायमंड कंप्लीट भाई, आपको जूम हो जा रहा होगा एडिट में, फुटपैक्स वगैरह आप लोग जैसा देख रहे होगे कंप्लीट। उसके बाद मोटोग्राफिक के टैंक पैड, तो टैंक पैड भी आप इधर देख लो भाई, कंप्लीट आपको टैंक पैड वगैरह हो गया। एंड मोटोग्राफिक मोटोस्पोर्ट के कंप्लीट स्टिकर किट,
जैसा आप स्टिकर वगैरह देख रहे हो, बेसिकली कंप्लीट वाइट में होगी ये, मेरे ख्याल से वाइट या ब्लू में होगी, और वाइट और ब्लू, और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो स्टिकर वगैरह कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको पूरे एसेसरीज के साथ पड़ता है वो है 25,50,000, बट जॉयस बाइक पॉइंट में आपको ये 16.99 लाख, मतलब 16,99,000 का आपको ये वाला पड़ जाएगा। तो भाई आपको परचेस करना तो आप लोग आके ले सकते हो ये वाली कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो हमारे पास BMW है, रिसेंट मॉडल, मतलब कि S1000 RR Pro, और ये वाला 2021 मार्च का मैन्युफैक्चर्ड है, जनवरी 2022 का रजिस्टर्ड है। बाकी ये कलर तो मैंने आप लोग को दिखाया ही, सिंगल ओनर है, WB रजिस्टर्ड है, 5400 किलोमीटर चली हुई है, और इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको 2027 तक मिल रहा है। और स्टॉक बाइक है कंप्लीट, कुछ चेंजेस नहीं है, A to Z जैसा आपको स्टॉक में मिलता है ना उसी टाइप का इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा, सब कुछ स्टॉक है। बाकी इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 21.5 लाख, मतलब 21.5 लाख की आपको मिल रही है, बाकी 25.5 लाख इसका आपको ऑन रोड प्राइस है शोरूम पे, और यहाँ पे इतना में मिल रहा है तो आप समझ सकते हो भाई। और तीनों जो BM है, मतलब तीनों में आपको थोड़ा बहुत भी स्क्रैच वगैरह कुछ भी आप प्रॉब्लम वगैरह कह दो कुछ आपको नहीं दिखेगा, बहुत ही क्लीन मशीन्स मिलती है आपको जॉयस बाइक पॉइंट में। एंड आप लोग को लेना है तो आप लोग डेफिनेटली यहीं पे आ जाओ भाई। और इस वाले का स्टिकर किट वगैरह आप देख रहे हो, रेयर में भी स्टिकर किट वगैरह आप देख रहे हो, और बाकी टैंक पैड वगैरह है ही, और बाकी जितने एसेसरीज लगे हुए इन दोनों में वो तो मैंने बताया। और इसका कंप्लीट स्टॉक बाइक है तो ये कंप्लीट स्टॉक है, एंड इनफैक्ट अगर आप इसके टायर्स वगैरह क्या तीनों के टायर देखोगे तो समझ सकते हो भाई आप। और बाकी तो ये पूरी क्लीन मशीन है ही, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मशीन भी है भाई, बहुत ही प्यारा कलर है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कावासाकी पे, तो चलो इनका रिव्यू देते हैं आप लोग, रिव्यू क्या मतलब क्या आस्किंग वगैरह है यहाँ पे वो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे जो न्यू जनरेशन, मतलब ZX10R है भाई कंप्लीट, और क्या खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले इसका नाम मैनुफैक्चर्ड बताया तो 2021 मैनुफैक्चर्ड है, एंड WB रजिस्टर्ड है जुलाई 2021 का, सेकेंड ओनर है, 8500 किलोमीटर्स कंप्लीट की हुई है, और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस वैलिड है इसका अराउंड 2023 तक सितंबर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 2026 तक प्रोवाइड है, एंड दोनों कीज इसके अवेलेबल है। बाकी SC प्रोजेक्ट का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा हुआ है विथ डिकैट पाइप, तो इसका जो लाउडनेस होने वाला है ना भाई, लिटरली बहुत ही ज़्यादा लाउड होने वाला है ये वाला मशीन। बाकी प्यूक के विंडशील्ड जैसा आप देख सकते हो, कस्टम विंडशील्ड भी इसमें लगा हुआ है, कावासाकी सीट एंड फुटपैक्स, तो सीट एंड फुटपैक्स वगैरह दोनों जैसा आपको पता है कि मतलब कि जब ये वाली बाइक मिलती है शोरूम पे तो उसमें फुटपैक्स वगैरह नहीं लगा रहता है, तो वो आपको लेना पड़ता है। एंड इसमें सीट काउल वगैरह जो रेयर का मतलब सीट है वो लेना पड़ता है आपको एडिशनल, तो वो दोनों इसमें आपको मिलेगा। और BMC का एयर फिल्टर है, प्यूक प्रो का फ्रेम स्लाइडर्स जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा भाई, कंप्लीट फ्लेम स्लाइडर्स एंड ऑल। और उसके बाद ईवोटेक के रेडिएटर ग्रिल लगे हैं, फिर ईवोटेक के फोक प्रोटेक्टर्स लगे हैं, RNG का इंजन केसिंग कवर है, PPF कोटिंग है कंप्लीट रियर पार्ट में, और पैडॉक्स पुल्स वगैरह, इजी ग्रिप ट्रैक्शन पैड वगैरह सब कुछ इसमें आपको लगा हुआ है, तो इतने सारे एसेसरीज वगैरह लगे हुए। और अगर इतना सारा एसेसरीज का अगर आप लोग ऑन रोड जानोगे तो आपको अराउंड 22 लाख पड़ जाता है, लेकिन जॉयस बाइक पॉइंट में जैसा आपको पता है प्राइस वगैरह भी बहुत ही सही मिलते हैं, तो 15.75 लाख का आपको ये वाला मिल जाएगा, ये वाली ZX10R। बाकी आप यहाँ पे देख लो भाई, फोक प्रोटेक्टर्स वगैरह, रेडिएटर ग्रिल वगैरह आपको, उसके बाद पीछे में कंप्लीट एग्जॉस्ट देखोगे SC प्रोजेक्ट का, फिर वो फुटपैक्स एंड सीट, तो समझ सकते हो भाई ये वाली मशीन क्या लग रही है। एंड इसके बगल में हमारा नेक्स्ट जो 10R खड़ा है, तो ये प्रीवियस जनरेशन कह सकते हैं क्या प्रीवियस जनरेशन है ही, तो दोनों में से आपको कौन सा पसंद है भाई कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। ये वाला आपका मैन्युफैक्चर्ड जो है अक्टूबर 2018 का मैन्युफैक्चर्ड है, और रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है नवंबर 2018 में, MH मतलब महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन है, थर्ड ओनर है, और 10,900 किलोमीटर कंप्लीट की हुई है, बाकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको 2023 तक वैलिड है, और दोनों चाबी मतलब बोथ कीज आपके इसके भी अवेलेबल है। एसेसरीज में फ्लेम स्लाइडर्स, पैडॉक्स पुल, SC प्रोजेक्ट कोवेल एग्जॉस्ट स्लिप ऑन विद डीकैट पाइप, जनरल सी बात है SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है भाई, जैसा देख लो एग्जॉस्ट नोट जो मैं आप लोग कंप्लीट बता रहा हूँ। इसका जो आस्किंग प्राइस है जॉयस बाइक पॉइंट पे वो है 11.75 लाख, और बाकी भाई ये वाली मशीन लिटरली बता रहा हूँ बहुत पसंद है मेरे को, पता नहीं अपन को कब मिलेगा, लेकिन छोड़ो हटाओ,
बस दुआ है ऊपर वाले से कि मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी क्या है मतलब मिल जाए बस। और बाकी आप एग्जॉस्ट देख रहे हो इसमें, इसका एससी प्रोजेक्ट आप देखोगे शॉर्ट कैन है, इसका लॉन्ग फॉर्म वाला एग्जॉस्ट है, तो दोनों का आवाज़ में भी काफ़ी अंतर आपको समझ में आएगा भाई। तो बाकी ये हो गया दोनों टेनार ब्रदर्स का, जो आपका न्यू जनरेशन टेनार एंड ओल्ड जनरेशन टेनार। सो अब बात करेंगे भाई इस वाले निंजा 1000 की, एंड इस पे देखो एक्रोपोविच का एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई, कंप्लीट आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, तो ये दोनों साइड एग्जॉस्ट रहता है। यस, तो देखो दोनों साइड डुअल मतलब कि 4 सिलेंडर है, एंड एग्जॉस्ट इसका दोनों तरफ आपका बांटा हुआ है। बाकी 2018 सितंबर का ये वाला मशीन है, KRT ABS निंजा 1000। सो यस गाइस, इसमें सिर्फ आपको एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बाकी कंप्लीट ये स्टॉक है, एग्जॉस्ट सिर्फ इसका चेंज है। और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 7,85,000। किलोमीटर्स की अगर बात करें तो 16,000 किलोमीटर चला हुआ है, एंड दिस वन इज अ सेकंड ओनर, तो आपको इनका भी डिटेल मिल ही गया भाई एट दी एंड। नेक्स्ट हम आएंगे इस पे निंजा 650 पे, जो कि समझ जाओ 650 सीसी कैटेगरी में काफ़ी अच्छी मशीन है। बेबी निंजा जनवरी 2019 का मैन्युफैक्चर्ड है, एंड फरवरी 2020 का रजिस्टर्ड है, WB रजिस्टर्ड सिंगल ओनर, और 2800 किलोमीटर्स बस चली है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ है 2025 तक, और दोनों कीज़ इसके अवेलेबल है। बाकी एसेसरीज़ की बात करें तो ओवर रेसिंग फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, फ्रेम स्लाइडर्स, एंड उसके बाद मोटोग्राफिक का टैंक पैड, तो टैंक पैड वगैरह भी आप देख ही लो। और उसके बाद सीट कॉल वगैरह जो कि फिट नहीं किया हुआ है, फिट आपको करके मिल जाएगा इसमें, एंड लीवर गार्ड और PPF डन ऑन टैंक, तो टैंक में PPF किया हुआ है, और लीवर गार्ड्स वगैरह आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट। और बाकी बाइक तो सही कंडीशन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में। देखो जॉय बे के पास सारी जितनी मोटरसाइकिल्स आती है ना, सब बहुत ही अच्छे बेटर बेस्ट कंडीशन में भी आपको मिल जाती है। बाकी इसका जो आस्किंग प्राइस है जॉयदा के पास वो है 4.85 लाख, तो समझ सकते हो भाई इतने में आपको ये मिल रहा है। सो भाई होपफुली आपको इनका कंप्लीट लाइनअप का डिटेल्स वगैरह सब कुछ पता चल गया होगा। और कुछ चाहिए लाइक और कुछ पूछना है देन भैया का नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह A to Z कंप्लीट आपको दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी बाइक की कंडीशन अगर बोलो तो बहुत ही सही है, समझ जाओ एक बार अगर आप लोग परचेज कर लोगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा भाई। और चलाने में तो आप ही लोग बता सकते हो, जिनके पास सुपर बाइक ओन कर रहे वही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार भी सुपर बाइक चलाया नहीं है, ना ही मेरे पास है। खैर कोई नहीं, अपन भी ले लेंगे। तो चलो अब हम लोग निकलेंगे घर, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी इन लाइनअप्स का कैसा लगा वीडियो एंड प्राइस वगैरह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ताकि हम भी इस मुकाम तक पहुंच सके। चलो थैंक यू।